हाय फ्रेंड, आई एम अभिजीत आनंद, द फाउंडर ऑफ 21st एरा। आज का टॉपिक है कि हम 40 की उम्र में करोड़पति कैसे बने। सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, सब कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, और आज के पैंडेमिक में पैसे की सख्त जरूरत है। कोई भी इंसान अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट रहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। लोग पैसे कमाना चाहते हैं, लोग पैसा कमाते भी हैं, उन्हें जो सैलरी मिलती है वो जहां से भी जिस भी तरीके से पैसे कमाते हैं वो या तो पैसा अपना बैंक अकाउंट में रखते हैं या तो फिर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बट मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसका प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करने से उनकी जो पे है, उनकी जो सैलरी है, उनका जो पैसा है वो इंक्रीज नहीं करता है, वो एक्सीड नहीं करता है, जिसके कारण कि उन्हें उस तरह की बेनिफिट नहीं मिल पाती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। हम रिटायरमेंट के एज तक करोड़पति बनने का सपना नहीं दे सकते, ये खुद से एक बेईमानी होगा। हम करोड़पति कैसे बने वो भी बिना बिजनेस किए, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो आपको इस वीडियो में आज हमको बताएंगे कि आप बिना बिजनेस किए करोड़पति कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले जरूरी होगा प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। हमें प्लानिंग और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। तो प्लानिंग और डिसिप्लिन किस चीज का? प्लानिंग एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास, कि हम कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करें, हमारा इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें, ये हमारा प्लानिंग होना चाहिए। और डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जिस भी स्कीम में करें, जितने सालों तक के लिए, हम प्रॉपर उस चीज का, उस इन्वेस्टमेंट का हमको प्रॉपर प्रीमियम पे करना होगा या प्रॉपर उस स्कीम को रिन्यू करवाना होगा। ऐसा नहीं कि हम 6 महीने साल भर हम उस स्कीम को चलाएं और उसके बाद हम छोड़ दें। देखिए, कोई भी इंसान 25 साल से 30 साल या 20 साल से कमाना शुरू कर देता है। आज के डेट में 20 साल से ही लड़के कमाना शुरू करते हैं, 20 से 25 साल तक ही कमाना शुरू कर देते हैं। जब वो इतने कम उम्र में कमाना शुरू करते हैं तो उनके पास लायबिलिटी भी बहुत कम होती है, जिसके कारण कि वो अच्छा सेविंग कर सकते हैं, और स्टार्टिंग पीरियड में वो अच्छा सेविंग कर लेते हैं तो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। शुरुआती सेविंग्स से उनको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिल सकता है। कंपाउंडिंग बेनिफिट क्या होगा ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। सही तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट करने का? तो इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू अगर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अदर कोई ऑप्शन से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अगर हम 20 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो हमें 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होगा, 40 सालों तक। 40 सालों में हमें कितना पैसे देने होंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो आपको हर महीने 1581 रुपया 1581 रुपीस आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसका हम लोग रेट ऑफ रिटर्न प्रिज्यूम करते हैं 10% हमको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे, जो कि एवरेज है और मिनिमम भी कह सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अगर SIP के थ्रू करते हैं तो 15% 20% या 25% तक आपको रिटर्न मिल सकता है और मिलता भी है। तो हम मिनिमम रिटर्न लेके चलते हैं, 10% तक आपको मिनिमम रिटर्न मिल सकता है। तो आपको 1581 रुपया का हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 60 साल की उम्र तक आप 1 करोड़ का फंड आप बना सकते हैं इजिली। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाले रिटर्न, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे हमको रिटर्न तो मिलता ही मिलता, बट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को जारी रखने तक अलग से हमको रिटर्न पे रिटर्न मिलता है, जिसको कहते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। और ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट उनको ज्यादा मिलता है जो सबसे कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। जो सबसे कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी उतना ही मिलता है। 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना है तो सबसे पहली बात है, आपको 20 साल से आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना होगा। आपको 20 साल से 40 साल, ये 20 साल आपको हर महीने आपको 13,000 रुपया SIP के थ्रू आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप हर महीने 13,000 रुपया SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20 साल में 31,61,000 रुपया होता है, 31,61,000 रुपीज होते हैं। उसका हम रिटर्न प्रिज्यूम करें तो 10% रिटर्न हम उसका प्रिज्यूम करते हैं, मतलब 10% रिटर्न हमको मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे, जो कि सबसे मिनिमम है। अगर हम 10% रिटर्न एज्यूम करके चलते हैं और हर महीने 13,000 रुपया 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं 40 साल तक, हम तो 20 सालों में 1 करोड़ रुपया का फंड हम बना सकते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको पहले ये देखना होगा कि हम जो भी स्कीम खरीद रहे हैं उसका पिछले
प्रीवियस ईयर हमारा जो स्कीम है उसका रिटर्न कितना है। अगर उसका रिटर्न 15% है तो उस स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको हर महीने 20 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं और 40 साल तक आपको हर महीने 6,600 रुपया SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो का जिसके कारण कि आप 20 सालों में आप 1 करोड़ का फंड जनरेट कर सकते हैं, आप 1 करोड़ रुपया इजिली अर्न कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका जो प्रीवियस रिटर्न हो 15% आपको रिटर्न देना चाहिए और ये 15% रिटर्न कंटिन्यू 20 सालों तक आपको मिलना चाहिए। मिलनी बात ऑब्वियसली बस आपको मिलता भी है, इस तरह का ऐसा कोई इशू नहीं होता है। आपको म्यूचुअल फंड SIP लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको मिनिमम 10% रिटर्न आपको कोई नहीं काट सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको 10% रिटर्न आपको इजिली मिलते हैं। प्लीज सपोर्ट अस एंड लेट्स गेट टुगेदर इन द 21st एरा।